सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्विटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स के बीच में यहाँ पर पीएसएल का जो मैच खेला जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच की सारे के सारे एनालिसिस, सारे के सारे जो भी प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले आज के मैच में, कौन से प्लेयर्स को ट्राई करना है, कौन से प्लेयर जीएल के लिए, स्मॉल लीग के लिए, डिफरेंशियल प्लेयर, वो सारी चीज़ें आज की इस लाइव सेशन में बताने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक लाइक के साथ आज का वीडियो जरूर शुरुआत कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक जरूर वीडियो देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। अब देखो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स यहाँ पर सबसे नीचे टीम है और कराची किंग्स यहाँ पर तीन या चार नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर है। कराची किंग्स इस सीजन जो है यहाँ पर बॉलिंग से थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस दिख रही है, और जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स यहाँ पर इस सीज़न फिर से आपको बैटिंग भी थोड़ी सी आपको वीकनेस दिखेगी और यहाँ पर आपकी इनकी बॉलिंग भी, इसलिए यहाँ पर सबसे नीचे है। अब देखो आज का मैच यहाँ पर खेला जाने वाला है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर। जो पिच है वो कैसे सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि इस पिच ऊपर सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि पेसेस इंपॉर्टेंट है या स्पिनर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पिच के ऊपर यहां पर पिछले 10 मैचेस हुए हैं तो 64% जो विकेट्स मिले हैं वो पेसेस को मिले हैं और बाकी के जो विकेट्स मिले वो स्पिनर्स को, और खास करके स्पिनर्स को अगर विकेट मिले हैं तो वो सेकंड इनिंग में ज्यादा ज्यादा विकेट जो मिले हैं स्पिनर्स को मिले हैं सेकंड इनिंग में, यह जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। पेसर्स यहाँ पर फिर से डोमिनेशन दिखाएंगे, लेकिन स्पिनर्स को अगर आपको ट्राई करना है तो वो सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोनों टीम्स की तरफ से कोई भी स्पिनर होगा वो आपको सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे बात आती है कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो इस पिच के ऊपर एक बैटिंग के सेक्शन से हमेशा जो है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक हमेशा आता है। इस पिच के ऊपर जब भी मैचेस होते हैं 20 मैचेस तो एक यहाँ पर बैटिंग के सेक्शन से कैप्टन और वाइस कैप्टन कैप्टन होता है, और वाइस कैप्टन जो होता है ऑलराउंडर या फिर आपके बॉलिंग के सेक्शन में ज़्यादा ज़्यादा जरूर होता है, ये जरूर ध्यान में रखना। खास करके जो भी टीम यहाँ पर सेकंड बैटिंग करती है तो ये जरूर ध्यान में रखना, उनके टीम का बैट्समैन जो है हमेशा ड्रीम टीम में होता ही होता है, ये जरूर ध्यान में रखना। और जो ऑलराउंडर और बॉलिंग के सेक्शन है वो खेमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके ऑलराउंडर के सेक्शन से जो बैटिंग भी करते बॉलिंग भी करते इस पिच के ऊपर हमेशा ड्रीम टीम की मेरी टीम्स देखी है तो उसमें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी हमेशा होता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे हमेशा जो पेसर्स डोमिनेशन दिखाते ही दिखाते, लेकिन सेकंड इनिंग में जो है आपके स्पिनर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ये जरूर ध्यान में रखना। दोनों टीम्स के जो भी टीम यहां पर सेकंड बॉलिंग करेगी उसके स्पिनर्स को बिल्कुल भी आपको ड्रॉप नहीं करना है, ये भी जरूर ध्यान में रखना। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड, कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी दोनों टीमें जब आपस में भिड़ी है तो ये जरूर ध्यान में रखना, जब भी दोनों टीमें आपस में भिड़ी है तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स, अब देखो ये जो पॉइंट्स मैं यहां पर रिकॉर्ड्स देख के आया हूं, जब भी दोनों टीमें आपस में भिड़ी है तो दो यहां पर ड्रीम इलेवन पे जाके यहां पर ड्रीम टीम्स देखी है तो उस ड्रीम टीम में सबसे ज्यादा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी और सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स आते हैं ड्रीम टीम के मेंबर्स बन जाते वो दोनों टीम्स के बॉलिंग के सेक्शन से और ऑलराउंडर के सेक्शन से सबसे ज्यादा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी यहां पर होते हैं और सबसे ज्यादा यहां पर आपके लिए ड्रीम टीम के मेंबर्स भी बन जाते, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि आज के मैच में फिर से जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स के बीच में जब भी दोनों टीमें आपस में भिड़ती है ना तो आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शंस और यहां पर बॉलिंग सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इसी खेमे से आपको मिल जाएगा, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये मैंने सारे रिकॉर्ड्स बता दिए। अब बात करते हैं कि आपके लिए यहां पर मैंने तो बता दिया स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, पेसर्स कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी है, बैट्समैन भी फर्स्ट सेकंड इनिंग में एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक होता है, लेकिन सबसे दिमाग में आता है कि कौन से। अब देखो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। देखो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है मेरे तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर बताना, आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रेडिक्शंस हमेशा जो है मिलती है। अगर आपको जीएल की टीमें फ्री चाहिए ना तो आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक घंटा पहले मैच शुरू होने से घंटा पहले मैं आपको यहां पर लाइव सेशंस में आऊंगा और जीएल के टीम एकदम फ्री देने वाला हूं, ठीक है। अब देखो विकेट कीपर के सेशंस में सबसे पहले तो बात करते हैं हम डिफरेंशियल पिक्स के बारे में, ठीक है। सबसे हम बात करते हैं पहले डिफरेंशियल पिक्स आज के मैच में कौन से होने वाले और उसका रीजन भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर डिफरेंशियल पिक्स, देखो आज के मैच में जो है यहां पर इंपॉर्टेंट जो है फिर से उमर अकमल रहने, ठीक है, क्योंकि ये प्लेयर देखो पिछले मैच में जो है थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आया था लेकिन फिर भी बहुत अच्छी पारी खेला था। इस मैच में मुझे लग रहा है कि थोड़ी से ऊपर बैटिंग करने को आ सकते हैं, और आज के मैच में उमर अकमल और एडम रॉसिंगटन ये डिफरेंशियल पिक्स आज के मैच में रहने वाले, जरूर ध्यान में रखना।
मैथ्यू वेड जो है बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे, ओपनर नहीं आने वाले, जरूर ध्यान में रखना। तो मैथ्यू वेड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विकेट कीपर के सेक्शन में दो डिफरेंशियल प्लेयर्स एडम रॉशिंगटन, उमर अकमल, ये आज के मैच में रहने वाले। अब बात करते हैं बैटिंग के सेक्शन से। अब देखो बैटिंग के सेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट जो पिक आज के मेरे यहाँ पर रहने वाले हैं डब्ल्यू स्मिथ, अगर आज के मैच में खेलते हैं तो। डब्ल्यू स्मिथ आज के मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो पिछले मैच में यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से लेफ्ट आर्म फास्टर बॉलर यहाँ पर मतलब इनको तंग करते आ रहे थे, स्विंग मिल रहा था, लेकिन ये जो प्लेयर है आज के मैच के लिए मेरे एक डिफरेंशियल प्लेयर आज के मैच में रहने वाला है डब्ल्यू स्मिथ को। आप यहाँ पर फोर मेंबर मिनी जीएल्स में आज ट्राई कर सकते हो, और अगर सेकंड बैटिंग आती है तो इसको जीएल में कैप्टन भी बना सकते हो डब्ल्यू स्मिथ को, ये जरूर ध्यान में रखना। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्विटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अगर बैटिंग के सेक्शन से आपको प्लेयर्स लेने हैं तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ इफ्तिकार अहमद, नजीबुल्ला जादरान, और यहाँ पर ऑलराउंडर के सेक्शन से जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर आपके मोहम्मद नवाज, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तीन प्लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो पिछले मैच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नजीबुल्ला जादरान और मोहम्मद नवाज के बीच में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, तो इस मैच में जो है फिर से इफ्तिकार अहमद और नजीबुल्ला जादरान की तरफ से यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पार्टनरशिप बन सकती है। तो ये दोनों टीम दोनों प्लेयर्स जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं क्विटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल आज के मैच में, ठीक है। और मोहम्मद नवाज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो बॉलिंग के सेक्शन से, क्योंकि लगातार विकेट लेते आके जा रहा है, और इस पिच के ऊपर सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है मोहम्मद नवाज की टीम की तो मोहम्मद नवाज फिर से एक कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आज के मैच के लिए होने वाले, ये जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आप भी आप बात आते हैं कराची किंग्स की तरफ से। कराची किंग्स की तरफ से हमेशा सेफ चॉइस जो है शोएब मलिक ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंशियल की बात करूंगा तो डिफरेंशियल के लिए फिर से आपके लिए कौन से रहने वाले यहाँ पर आपके लिए, तैयब ताहिर, ठीक है। तैयब ताहिर का जो नेचुरली खेल है बहुत बढ़िया है, और जो मैं आपको बता दूं कि स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलता है। तो सामने मोहम्मद नवाज है, यहाँ पर इफ्तिकार अहमद है, इनको बहुत ज़्यादा मार पड़ सकती है। अगर ये प्लेयर चल गया तो आपके लिए ड्रीम टीम का यहाँ पर मेंबर बन सकता है, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी चॉइस बन सकता है इस पिच के ऊपर। तो फर्स्ट बैटिंग आती है तभी ट्राई करना, सेकंड इनिंग में कम ट्राई करना। सेकंड इनिंग में आपको क्या करना है, शोएब मलिक के साथ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चले जाना है, ठीक है। अब ये बैटिंग के सेक्शन से, अब बात करते हैं ऑलराउंडर के सेक्शन से। तो ऑलराउंडर के सेक्शन में आपको ये तीनों भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कोई डिफरेंशियल प्लेयर नहीं रहने वाला है, ये तीनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आज के मैच के लिए पिक रहने वाले। अब देखो कैप्टनसी वर्स कैप्टनसी की बात आती है, तो कैप्टनसी आपके लिए डिफरेंशियल बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ टीम में रखते प्लेयर उसको कैप्टनसी नहीं करते, वो कौन सा प्लेयर है, ओडियन स्मिथ। डेथ में बॉलिंग करता है, ठीक है, डेथ में बॉलिंग हमेशा करता है, विकेट लेस जाता है, पिछले दो तीन मैचेस में विकेट लेस गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेथ में हमेशा क्या होता है दोस्तों, या तो उस को बहुत ज्यादा मार पड़ती है, या तो वो प्लेयर बहुत ज्यादा विकेट्स लेके आता है, तो वही प्लेयर आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन की बात करूंगा तो आपके लिए ओडियन स्मिथ रहेंगे। बाकी तो ये दोनों आज के मैच के लिए सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी फिर से रहने वाले, दोनों भी स्पिनर्स हैं और दोनों भी बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं, ठीक है। अब फिर बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग के सेक्शन से। अब देखो बॉलिंग का खेमा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दो तीन प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ आज के मैच में। सबसे नंबर वन पर यहाँ पर तबरेज शमसी, अगर सेकंड बॉलिंग करती है इनकी टीम, फिर यहाँ पर दूसरे टीम की तरफ से नवीन होलक, इस पिच के ऊपर असिस्ट बहुत मिलता है, और तीसरा यू असिफ, क्योंकि ये क्या है कि डेथ में बॉलिंग करता है, बहुत कम लोग इनको यहाँ पर ट्राई करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक। अब देखो बॉलिंग के सेक्शन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर तबरेज शमसी, नवीन हुलक, यू हसीब डेथ में बॉलिंग करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो ना, तो नसीम शाह को आज के मैच में ज़्यादा ज़्यादा टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी जरूर देना। इस टीम के खिलाफ मैं आपको बता दूँ कि इनका टॉप ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा स्विंग को फंसता है और पेस को भी फंस जाता है, तो मतलब कि कराची किंग्स का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें नसीम शाह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच के लिए, नसीम शाह मेरे इंपॉर्टेंट पिक। दूसरे नंबर पर यू हसीब, ये प्लेयर इस पिच के ऊपर लगातार विकेट लेगा, आप यहां पर देख लेना, ठीक है, जरूर ध्यान रखना। तो यू असिफ, नसीम शाह मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर तरफ, और नवीन हुलोक को आप यहां पर ग्रैंड लीग में एक आधी दूसरे टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कर सकते हो एक क्विटा ग्लैडिएटर की तरफ से। अब बात करते हैं कि कराची किंग्स की तरफ से, तो कराची किंग्स की तरफ से तबरेज शमसी सेकंड इनिंग में, ये जरूर ध्यान में रखना, तबरेज शमसी सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी पिक रहने वाले। मोहम्मद अरमीर यहां पर इस पिच के ऊपर इतना कुछ अच्छा खास नहीं किया है, मतलब कि लगातार कंसिस्टेंसली विकेट नहीं लिए है, ये जरूर ध्यान में रखना,
ठीक है, तो इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्राई ही करना है तो ये जरूर ध्यान रखना, मोहम्मद अजमेर को आपको यहाँ पर टीम में रखना है तो डायरेक्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना ये भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मोहम्मद अजमेर एक ऐसा प्लेयर है अगर चल गया तो 3-4 विकेट लेगा, नहीं तो एक आधा भी मतलब विकेट लेस या फिर एक विकेट लेगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी आप यहाँ पर कराची किंग्स की तरफ से अगर बॉलिंग के सेक्शन से जाना है आपको तो एंड्रू टाई अगर खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच में, ठीक है। तो ऑलराउंडर के सेक्शन तो बता दिया मैंने, यहाँ पर इमाद वसीम चाहे फर्स्ट बैटिंग हो सेकंड बैटिंग हो बॉलिंग हो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने ही वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज की मैच में बता दी है। तो अगर आपको जीएल की टीमें फ्री चाहिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पर लाइव सेशंस को जरूर जुड़े रहना, मैं जीएल की टीमें फ्री देने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।